नमस्ते, निशा बेगम का लजीज किचन में आप सबका स्वागत है। व्यूअर्स, चलिए निशा बेगम का लजीज किचन से आज कुछ जबरदस्त डिश बनने वाला है। ग्रेवी टाइप का मसालादार चटपटा सा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, आपका सामने में चिंगड़ी रखा हुआ है और लौकी रखा हुआ। तो आज चिंगड़ी और लौकी का हम ग्रेवी वाला मसालादार डिश बनाएंगे। तो जैसे कि देखिए, यहाँ पे हम 1 किलो लौकी लिए हैं। इसको इस टाइप का छील के हम कट लगा लिए। पूरा इसी टाइप का पीस होना चाहिए, नहीं तो फिर कुछ गलेगा नहीं। चिंगड़ी देखिए, यहाँ पर हम 1/2 किलो लिए हैं। इसको भी हम बढ़िया से वॉश कर लिए हैं साफ करके। ये देखिए, पूरा इसको साफ करके हम वॉश कर लिए। हम इसी टाइप का रहने देंगे। अगर आप माथा नहीं खाना नहीं पसंद करते हैं तो इसको स्किप कर सकते हैं। और इसका अंदर में एक रस्सी होता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये रस्सी है, इसको आप निकाल सकते हैं। पर हम इसी टाइप का बनाएंगे। इस टाइप का बनाने से बहुत अच्छा भी देखने में लगता है, खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। अगर पसंद नहीं होगा तो खाने का टाइम ये माथा निकाल दीजिए, हो गया। अब देखिए, यहाँ पे देखिए, मसाला में हम 2 चम्मच हम लिए हैं लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच लिए हैं अदरक का पेस्ट। यहाँ पे देखिए, प्याज हम मीडियम साइज का 1.5 पीस लिए हैं। 1.5 पीस प्याज हम बारीक काट लिए हैं इस टाइप का। ये देखिए, जब इस तेल में जाएगा तो इस टाइप का ये पीस हो जाएगा। अब देखिए मसाला में कि जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, 2 टीस्पून हमने लिए हैं 5 फोड़न। आसानी से कहीं भी आपको मिल जाएगा। 2 टीस्पून हमने लिए हैं 5 फोड़न। 1/2 चम्मच हमने लिए हैं कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। 1.5 चम्मच हमने लिए हैं धनिया पाउडर। 1 चम्मच लिए हैं जीरा पाउडर। 1/2 चम्मच लिए हैं गोलमरीच पाउडर। 2 टीस्पून हमने लिए हैं हल्दी पाउडर। 2 टीस्पून हमने लिए लाल मिर्च पाउडर। 2 पीस हमने लिए हैं 2 पीस से तेज पत्ता का लीफ। अब जैसे कि देख सकते हैं, चिंगड़ी में हम तकरीबन 2 टीस्पून का लगभग नमक इसमें ऐड करेंगे, ताकि चिंगड़ी ज्यादा नमक नहीं खाता है। अब इसमें हम 1/2 चम्मच तकरीबन हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। अब जैसे कि हम आपको दिखाए हैं, जो चिंगड़ी को आप माथा कैसे निकालिएगा। जैसे कि माथा ये है, आप इस टाइप का इसको निकाल दीजिए। और जो इसका अंदर में ये है, इसको भी आप निकाल के बाहर फेंक दीजिए। अब देखिए, पेट का अंदर में देखिए, यहाँ पे एक रस्सी है, इसको इस टाइप का थोड़ा सा ये कर लीजिए। और कोई टिंका का माध्यम से इसको ये रस्सी ठो निकाल लीजिए। ये देखिए, ये काला वाला जो सूता होता है, इसको आप निकाल लीजिए। ये देखिए, ये वाला, ये टिंका का माध्यम से आप निकाल सकते हैं। जैसे कि, तो देखिए, जैसे कि हम आपको बोले थे जो माथा कैसे छिलिएगा, देखिए माथा इस टाइप का छिलिएगा। ये जो इसका अंदर में ये गंदगी है, इसको आप निकाल दीजिए। तो देखिए, माथा हम निकाल के इसको धो लिए इस टाइप का। अब देखिए, यहाँ पे एक सूता है, इसको हम क्या करेंगे, ये वो कोई टिंका का जरिया से इसको हम इस टाइप का निकालते जाएंगे। देखिए, इस टाइप का पेट का जरिया, चाहे ऊपर का जरिया भी आप निकाल सकते हैं। पूरा आप इस टाइप का पकड़ के, जैसे सुई धागा चलाते हैं उस टाइप का निकाल लीजिए। ये देखिए, आप खींच लीजिए, देखिए सूता निकाल दिया। अब क्या करेंगे, ये जो हल्दी नमक है, इसको हम बढ़िया से मिक्स कर देंगे। तो देखिए, बढ़िया से ये मिक्स हो गया है। अब चलिए चूल्हा का तरफ। तो देखिए, चूल्हा में हमने पहले से कढ़ाई बैठा दिए थे और इसमें तकरीबन 5 चम्मच लगभग हमने सरसों ऑयल ऐड किए हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब क्या करेंगे, तेल को इस टाइप का थोड़ा सा फैला लेंगे। अब इसमें जो चिंगड़ी हम रखे थे, वो चिंगड़ी ऐड कर देंगे और हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो देखिए, तेल में हम इसको बढ़िया से मिक्स कर लिए हैं। देख रहे हैं आप, कलर चेंज होते जा रहा है। हमको इसको
कोई डीप फ्राई नहीं करना, हल्का फ्राई करना है। जैसे जैसे फ्राई होगा वैसे वैसे ये इसका रेड कम आ जाएगा। फ्लेम हमारा हाई है तो जैसे कि आप देख सकते हैं चिड़ी हमारा फ्राई हो चुका है। फ्लेम अब हम लो कर देंगे और इसको हम निकाल लेंगे। तो देखिए इसी टाइप का चिंगड़ी होगा। आप क्या करेंगे इसमें, आप कढ़ाई धो के भी तेल दे सकते हैं और इसी का स्वाद भी दे सकते हैं। अगर चिंगड़ी का तेल में बनाइएगा तो बनेगा सब्जी अच्छा। अब इसमें हम 50 ग्राम का लगभग इसमें तेल हम ऐड करेंगे। तेल हमारा जब तक गर्म हो रहा तब तक इसको छोड़ रही हूँ। तो देखिए तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम तेज पत्ता ऐड कर देंगे और प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तो फ्राई करेंगे। अब प्याज जब हम कढ़ाई में देंगे तो सारा चीज हम प्याज का साथ ले लेंगे, क्योंकि प्याज में पानी होता है। जब उसको तेल में देने से वो पानी छोड़ता है तो सारा चीज जो लगा हुआ है चिंगड़ी का मसाला हल्दी वो तो साफ निकल जाता है। कढ़ाई भी हमारा साफ हो जाता है और सारा उसका जो तेल वगैरह वो प्याज में आ जाता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं प्याज हमारा हो के आ गया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे, ऐसे ही हल्का होगा, हमको डीप नहीं करना है। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। और इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा प्याज, हम साइड कर लिए ये 5 है। तो देखिए 5 फोड़न हम ऐड कर दिए साइड में। बस हल्का हमको इसको फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं। अब प्याज को हम मिक्स कर लेंगे मसाले में। अदरक लहसुन 5 फोड़न ये सारा चीज हम मिक्स कर लेंगे। आज जो गुड़ा मसाला दिखाए थे वो हम इसमें ऐड कर लेंगे। अब अपना सामान का क्वांटिटी के हिसाब से हर सामान यूज कीजिएगा और कम बेसी भी कर सकते हैं मिर्च वगैरह। अब इसको हम बढ़िया से थोड़ा सा चलाएंगे। अब इसमें हम तकरीबन 4 चम्मच का लगभग पानी ऐड करेंगे और देख के मसाला का साथ इसको बढ़िया से मिक्स करके फ्राई करेंगे। तकरीबन 1 मिनट का लगभग, 1 मिनट हमारा हो ही चुका है। जो मसाला में वो कच्चा पन रहता है वो उतर जाता है। अब इसमें हम लौकी डायरेक्ट ऐड करेंगे। अब इसमें हम 1/2 चम्मच का लगभग नमक ऐड करेंगे। ये हमारा फाइनल है नमक। अब मसाला में लौकी को बढ़िया से मिक्स करेंगे। तो देखिए मसाला बढ़िया से मिक्स हो गया है। इसमें तकरीबन 1/2 लीटर का लगभग हम पानी ऐड करेंगे। अब इसको हम बढ़िया से चला देंगे। एकदम झटपट लौकी देखे चिंगड़ी बहुत ही टेस्टी बनता है ये ग्रेवी। तो देखिए मसाला बढ़िया से हमने मिक्स कर लिया है। चारों साइड से मसाला इस टाइप का उतार लीजिएगा और हम ढक्कन लगा के इसको पकाएंगे। चूल्हा हमारा हाई फ्लेम में ही अभी तक पक रहा है।
और हम हाई फ्लेम में ही इसको पकाएंगे। अभी इसको हम 2 से 3 मिनट इसी टाइप का छोड़ेंगे। देख सकते हैं आप 3 मिनट हो गया है, मैंने बीच में इसको एक बार चला लिए थे। अब देखिए पानी इसी टाइप का होगा, लौकी हमारा इसी टाइप का रहेगा। अब क्या करेंगे, अब इसमें हम सारा चिंगड़ी हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इसको हम चला लेंगे और अभी 2 मिनट हम इसी तरह से चलाएंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा बनके रेडी हो गया है। अब हम इसमें लास्ट में जो ऐड करेंगे वो आपको नहीं दिखाए हैं, 1/2 टीस्पून छोटा वाला टीस्पून में 1/2 टीस्पून हम गरम मसाला पाउडर इसमें ऐड करेंगे। और इसको हम बढ़िया से चला लेंगे। इसी टाइप का ग्रेवी होगा, आप चाहे तो इससे थोड़ा पतला भी रख सकते हैं। अब फ्लेम हम ऑफ कर देंगे। अब चलिए उतार के दिखाते हैं। लौकी चिंगड़ी मछली का डिश हमारा ग्रेवी वाला बन के रेडी हो गया है। देखिए देखने में जितना सुंदर लग रहा है खाने में इससे कहीं ज्यादा टेस्टी लगेगा। देखिए चिंगड़ी को। तो आज का हमारा ये डिश कैसा लगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर करके जरूर बताइएगा, भूलिएगा नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो, अगर खराब लग रहा है तो कोई बात नहीं है, अगर अच्छा लग रहा तो ज़रूर एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक दे दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते।